थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, लाइक कॉमेंट एंड शेयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, पुश सब्सक्राइब बटन, हिट बेल आइकन एंड पुश ऑल बटन, पुश सब्सक्राइब बटन, हिट बेल आइकन, पुश ऑल बटन, पुश सब्सक्राइब बटन, हिट बेल आइकन, पुश ऑल बटन, पुश सब्सक्राइब बटन, हिट बेल आइकन, पुश ऑल बटन, पुश सब्सक्राइब बटन, हिट बेल आइकन एंड पुश ऑल बटन। हे मनुष्य, वचन को सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, whatever you have learned, tell it by commenting. Thousands of people read your comment and get blessed. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 5 का श्लोक 8 उल्टा करके देखो। Great blessings belong to those whose thoughts are pure. They will be with God. Bible, Matthew, chapter 5 and verse 8, look back. Parmeshwar, aapse aamne saamne milenge. God will meet you face to face. उतर कर अंबर से तारे के झिलमिल कर प्यारे ये कितना दिव्य नजारा है। कह दो का नाम कैसा मौसम जैसे दिन और चांद जैसी रात है सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात है ओ, हीरो के महल पे जवाहर की बरसाते हैं सिर पर मोर मुकुट धारे बेकलकल जमुना किनारे है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिल मिल सारे ओ है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिल मिल सारे ओ खो जाओगे गोरी ऐसा मौसम है सकता हूं मैं फिर मोर मुकुट पहनकर तुम्हारे साथ
सामने नहीं आऊंगा। मैं अपने हाथों में त्रिशूल लेकर और गले में सर्प लपेट कर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। जब कभी भी 28वां कलयुग आएगा तब मैं इसी तरह साधारण मनुष्य के रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा। क्योंकि मैं नहीं मरता इसीलिए तुम भी नहीं मरोगे। यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो यही इस दुनिया के मेला में नष्ट हो जाओ। मैं ही तो आदि श्री हूं, पूर्ण ब्रह्म का प्रतिबिंब, पूर्ण ब्रह्म का एकलौता बेटा यानी कि पूर्ण ब्रह्म का एकलौता वारिस और पूर्ण ब्रह्म के आंखों का तारा। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म का सारा प्यार केवल मेरे लिए ही है। मैं ही आदि श्री अरुण पूर्ण हूं, ऐसे पूर्ण जिसमें से यदि पूर्ण निकल भी जाए तो भी शेष पूर्ण ही रहता है। यहां पर काल या समय की भी उत्पत्ति नहीं हुई है, इस कारण मैं काल प्रशासन तथा समय की गति से बाहर हूं। अर्थात मुझ पर न तो काल प्रशासन का असर होता है और न समय का ही। काल को गति प्रदान करने वाले देव देवेश्वर भगवान नारायण ने एक दिन समय और काल को विराम देने और युगों के चक्र अर्थात मनवंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से अपना हाथ उठाया। समय अब समीप है।
क्या ये कंपन संसार में भूचाल का संकेत है? इस कंपन को देखकर चिंतित न हो पार्वती, यह कंपन सृष्टि के अंत और महाप्रलय का संकेत है। अर्थात? देवी पार्वती, तुम तो भलीभांति जानती हो कि महाप्रभु श्री नारायण की इच्छा से एक निश्चित समय के बाद हर मनवंतर का अंत होता है। यह कंपन इस सृष्टि के अंत का संकेत है। अर्थात पूर्व मनवंतरों की भांति? हाँ देवी, पूर्व मनवंतरों की भांति इस मनवंतर का अंत करने के लिए हमें अपने प्रलयंकर रूप में प्रकट होना होगा। महाप्रलय के बाद कुछ नहीं बचता देवराज, न देव न दानव न मानव न कोई अन्य प्राणी, पूरा संसार जल के अथाह सागर में समा जाता है। हे गुरु बृहस्पति, इस महाविनाश की सूचना आपने हमें पहले कभी नहीं दी? क्योंकि महाप्रलय का निर्णय त्रिदेव ही करते हैं, सत्य त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग रूपी एक मनवंतर के पश्चात होने वाली महाप्रलय अटल है। इस सृष्टि प्रलय और सृष्टि निर्माण का ज्ञान समय से पूर्व त्रिदेव के अतिरिक्त किसी भी प्राणी को नहीं होता। किंतु इस समय महाप्रलय की आवश्यकता ही क्या है देवगुरु? आवश्यकता है देवराज, संसार से सत्य और धर्म का नाश हो गया है। हर स्थान पर हिंसा अन्याय और अधर्म का महातांडव हो रहा है। विवादों को अपनी मर्यादा का प्रश्न बनाकर उन्मादित जीव ही जीव का शत्रु बन गया है। मैं सभी आत्माओं व प्रकाश बुंद से अनकंडीशनल प्यार करता हूँ, ऐसा प्यार जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई लालच नहीं है, बदले में कुछ लेने की भावना नहीं है, जिसकी ना तो लंबाई नापी जा सकती है, जिसकी ना चौड़ाई नापी जा सकती है और ना गहराई नापी जा सकती है। संपूर्ण रचना मेरे ही प्यार के आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल रूप प्रभाव के कारण अपने अपने स्थान पर स्थित है और अपना अपना काम मेरे द्वारा निर्धारित किए गए समय पर करता है। तीनों लोकों में सबसे पहले सभी जीवों से मैंने ही प्यार किया और सभी जीवों को मैंने ही आदेश दिया कि जैसा प्यार मैंने तुमसे किया ठीक वैसा ही प्यार तुम दूसरे से करो, यह मेरा नया आदेश है। आज मैं आदिश्री अरुण नाम से धरती पर मनुष्य का वस्त्र व पोशाक पहनकर तीनों लोकों में आया हूँ और अपने सभी चाहने वालों को बाहें फैलाकर ढूंढ रहा हूँ। जो मेरी बातों को मानेगा और जो मेरे पीछे हो लेगा उसको मैं बिना मरे विदाउट डेथ महाप्रलय उपस्थित होने से पहले अपने साथ निजधाम लेकर जाऊंगा। जो मेरी बातों को नहीं मानेगा वह इसी धरती के मेले में नष्ट हो जाएगा। चूंकि मैं नहीं मरता इसलिए तुम भी नहीं मरोगे, चूंकि मैं प्रलय काल में व्याकुल नहीं होता इसलिए महाप्रलय उपस्थित होने के समय में तुम भी व्याकुल नहीं होगे। उस वक्त तुमको देखकर धरती पर के सभी लोग छाती पीटेंगे लेकिन वे महिमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।